नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं भारत समाचार न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ के खैर में उपचुनाव की तैयारी शुरू, 28 अक्टूबर तक खरीदे जा सकते हैं नामांकन पत्र। अलीगढ़ की खैर विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। उपचुनाव का यह महत्वपूर्ण अवसर राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय राजनीति में बदलाव की संभावना पैदा हो सकती है। खैर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कुछ खास इंतजाम किए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। सबसे पहले नामांकन पत्रों की प्रक्रिया पर नजर डालें तो उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। यह समय सीमा इस बात का संकेत है कि उम्मीदवारों के पास पर्याप्त समय है कि वे अपनी उम्मीदवारी के लिए आवश्यक कागजात और दस्तावेजों को पूरा कर सके। नामांकन पत्र खरीदने की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने का आधिकारिक निर्णय लेते हैं। खैर विधानसभा का क्षेत्र अलीगढ़ जिले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस क्षेत्र में चुनावी हलचल हर बार राजनीतिक रूप से अहम रहती है। चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कुछ कदम उठाए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है तहसील खैर परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के आगमन को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। बैरिकेडिंग का उद्देश्य सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना है ताकि उम्मीदवारों के आने जाने के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो और प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके। चुनाव के दौरान सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, खासकर ऐसे क्षेत्रों में जहां राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अधिक होती है। प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग लगाने का निर्णय इस बात को सुनिश्चित करता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। तहसील परिसर में प्रत्याशियों के आने जाने के लिए विशेष मार्ग बनाए गए हैं ताकि नामांकन के समय भीड़ भाड़ ना हो और हर उम्मीदवार को पर्याप्त समय और स्थान मिल सके। उपचुनाव में पार्टियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है। हर पार्टी इस उपचुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, क्योंकि यह चुनाव उनके भविष्य की रणनीतियों को तय करने में मदद करेगा। उपचुनाव होने के कारण यह पहले से ही एक महत्वपूर्ण घटना बन गया है, क्योंकि यह चुनावी माहौल को नई दिशा दे सकता है। चुनाव प्रचार और वोटरों को प्रभावित करने के लिए हर उम्मीदवार अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवारों को अपनी प्रचार गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा और सभा और रैलियों के दौरान जो व्यवस्था बनाए रखी जाए, यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति ना पैदा हो। खैर विधानसभा का यह उपचुनाव न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्षेत्र के लोगों के लिए यह अवसर है कि वे अपने नए प्रतिनिधि का चुनाव करें जो उनके हितों की रक्षा कर सके और उनके विकास के मुद्दों को आगे बढ़ा सके। हर उम्मीदवार अपनी तरफ से यह प्रयास करेगा कि वह जनता की समस्याओं को समझे और उन्हें हल करने के लिए अपनी योजनाओं को प्रस्तुत करे। तहसील खैर परिसर में बैरिकेडिंग का काम पूरा हो चुका है और अब प्रत्याशी धीरे धीरे नामांकन प्रक्रिया के लिए आ रहे हैं। प्रशासन के तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचा जा सके। पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था से चुनावी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा के उपचुनाव में कौन सा उम्मीदवार जीतता है यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस समय राजनीतिक गहमागहमी चरम पर है। आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और नामांकन प्रक्रिया के साथ ही चुनावी हलचल और तेज होगी। स्थानीय जनता इस चुनाव को लेकर उत्साहित है और सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि कौन सा प्रत्याशी जनता का विश्वास जीतकर उनकी आवाज बनता है। पूरे मामले को लेकर उप जिलाधिकारी महिमा सिंह राजपूत के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, खैर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खैर तहसील न्यायालय से कोई भी व्यक्ति नामांकन पत्र खरीद सकता है। 28 अक्टूबर तक नामांकन पत्र खरीदे जा सकते हैं। तहसील परिसर में बैरिकेडिंग की सुविधा की गई है, पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। उपचुनाव को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल एक निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र खरीदा गया है। उपचुनाव है मैडम खैर विधानसभा में, यहाँ आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है मैडम आपकी तरफ से? खैर विधानसभा चुनाव में आज 18 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन उप जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या 3 तहसील खैर में हो रहा है। नामांकन जो है 25 तारीख तक चलेगा, इसके बाद 28 तारीख को स्क्रूटनी है और 30 तारीख को नाम वापसी लेने का दिनांक है। इस नामांकन की प्रक्रिया के लिए सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। यहाँ बैरिकेडिंग हमने प्रॉपर कराई है, जो भी इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन कराया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और बने रहें एन भारत समाचार न्यूज़ पर।